नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद नील में। दोस्तों, बायोलॉजी के जो 5000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी उसमें आज अपन अगला वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए बिना देरी के आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, वनस्पति संवर्धन से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से संबंधित जो विज्ञान की शाखा है उसे कोलेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर या फिर फ्लोरिकल्चर। दोस्तों, वनस्पति संवर्धन से जो शाखा होती है विज्ञान की उसे हॉर्टिकल्चर कहते हैं। क्या कहा जाता है? हॉर्टिकल्चर। दोस्तों, अगर कोलेरिकल्चर की बात की जाए तो ये क्या होता है? सब्जियों का संवर्धन। जो सब्जियों का संवर्धन होता है उसे क्या कहा जाता है? कोलेरिकल्चर। ठीक है, हॉर्टिकल्चर तो आपको पता ही है वनस्पति संवर्धन, एग्रीकल्चर का आपको पता है कृषि। ठीक है, इस प्रकार से आपको पता चल जाएगा। फ्लोरिकल्चर का भी आपको पता होगा किसकी खेती होती है, नाम से ही लग रहा है किसकी खेती, फूलों की खेती। अध्ययन अलग होता है दोस्तों, फूलों का अध्ययन अलग होता है, फूलों की खेती अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए परागकण, बीज, फल या फिर पत्ती। दोस्तों, आपको पता है स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाएगा? बीजों का अध्ययन किया जाता है, स्पर्मोलॉजी में बीजों का अध्ययन। लेकिन दोस्तों, अगर परागकण की बात की जाए तो इसमें किसका, परागकणों का अध्ययन किसमें किया जाता है? पोलेनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? परागकणों का अध्ययन। बीजों का अध्ययन हो ही गया, कौन सा हो जाएगा? स्पर्मोलॉजी। ये स्पर्मो थोड़ा सा गलत लिखा है। फलों का अध्ययन आपको पता है क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। और जो पत्तियों का अध्ययन है वो क्या कहलाता है? मॉर्फोलॉजी। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्रेस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तीसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एग्रेस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? घासों का, फलों का, फसलों का या फिर तेलीय बीज जो होते हैं उनका। तो यहाँ पर क्या होता है, एग्रोस्ट्रोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है, फलों का अध्ययन तो पोमोलॉजी में, फसलों का अध्ययन एग्रीकल्चर में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एग्रोस्ट्रोलॉजी क्या हो जाएगा? घासों का अध्ययन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ठीक है, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो यहाँ पर भूमि का, फलों का, चट्टानों का या फिर पौधों का। दोस्तों, भूमि का अध्ययन किसमें किया जाता है? पेडोलॉजी में किया जाता है। चट्टानों का अध्ययन, दोस्तों यहाँ पर अगर आपको पता नहीं हो तो मैं बता देता हूँ, चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है? पेट्रोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पेट्रोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधों को नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है, जो पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? नामकरण, वर्गीकी, पहचान या फिर वर्गीकरण। दोस्तों, यहाँ पर वर्गीकी कहलाता है, पौधों को नाम देने वाला जो विज्ञान है वो वर्गीकी कहलाता है, इसे इंग्लिश में कहा जाता है टेक्सोनोमी। ठीक है, और यहां पर दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि फादर ऑफ टेक्सोनोमी यानी कि वर्गीकी के पितामह, किसे कहा जाता है दोस्तों? केरोलस लिनियस। केरोलस लिनियस, दोस्तों इन्होंने क्या किया था, एक द्विजगत वर्गीकरण दिया था, बाई किंगडम क्लासिफिकेशन, द्विजगत वर्गीकरण, जिसे क्या कहा जाता है? बाई किंगडम क्लासिफिकेशन। इसके बाद दोस्तों थोड़ा सा और विकास होता है, तो केरोलस लिनियस के बाद जो आते हैं वो होते हैं आर एच विटेकर, ये देते हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। इन्होंने क्या किया था, प्लांट में और जू में, मतलब एनिमल और जंतुओं में विभाजित किया, इन्होंने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंगाई, एनिमलिया, इस टाइप से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किसे वर्गीकी का पितामह, दोस्तों क्वेश्चन आई गया वही वाला, तो आप आंसर बता सकते हैं, वर्गी के पितामह कौन है? केरोलस लिनियस, बाई किंगडम क्लासिफिकेशन। सूक्ष्म जीव मिलते हैं रेतीली मिट्टी में, लवण युक्त पानी में, दलदल भूमि में या फिर इन सभी में। तो क्या आंसर हो जाएगा, इन सभी में क्या मिलेंगे? सूक्ष्म जीव तो सभी जगह मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु वृद्धि करता है, विषाणु कहां वृद्धि करता है? जीवित कोशिका में, चीनी के विलयन में, मृत शरीर में या फिर पानी में। दोस्तों, आपको पता है कि विषाणु क्या है, विषाणु वैसे तो निर्जीव होता है, नॉन लिविंग होता है, लेकिन कोई भी इसको होस्ट बॉडी मिलती है। ठीक है, अगर सजीव कोशिका, सजीव जीव मिलता है तो ये क्या हो जाता है? सजीव हो जाता है। ठीक है, आपको इसी कारण आपको याद होगा कि विषाणु जो वायरस होता है उसे क्या कहा जाता है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, यानी सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है विषाणु को। तो ये कहां पर वृद्धि करेगा? केवल जीवित कोशिका में करेगा। अगर जीवित कोशिका इसको नहीं मिलती है तो ये क्या होगा, निर्जीव के जैसे रिएक्ट करेगा, जैसे निर्जीव हो,
साबुदाना किससे बनाया जाता है दोस्तों? तो साबुदाना किससे बनाया जाएगा, चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। ऑप्शन देखते हैं, पाइनस, सेंड्रस, जूनीपेरस या फिर साइकस। तो दोस्तों साबुदाना किससे बनाया जाता है? साइकस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? क्वेश्चन अपन दोस्तों तीन चार बार देख चुके हैं, आप सीधा आंसर बता सकते हैं, फिनोलॉजी, पोमोलॉजी, एग्रोस्ट्रोलॉजी या एंथोलॉजी। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। ये फिनोलॉजी, एग्रोस्ट्रोलॉजी, एंथोलॉजी सारे मैं बता चुका हूं आपको, तो आप एक बार वीडियो को अच्छे से देखते होंगे तो आपको सबके आंसर बताओगे। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इनका आंसर क्या होगा। द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक कौन है दोस्तों? ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया है, डार्विन, थियोफ्रेस्टस, लिनियस, हिप्पोक्रेटस। तो दोस्तों केरोलस लिनियस जो फादर ऑफ टेक्सोनोमी यानी कि वर्गीय के पितामह है, उन्होंने क्या किया था? द्विनाम पद्धति दी थी। कौन सी पद्धति? द्विनाम पद्धति दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? रॉबर्ट कोच, लुई पाश्चर, ल्यूवेन हो या फिर रॉबर्ट हुक ने। दोस्तों अगर आपको पता हो तो आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। जीवाणु जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? ल्यूवेन हुक ने की थी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जिन पौधे पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं क्या कहलाते हैं? दोस्तों बीज तो बनते हैं लेकिन फूल नहीं बनते हैं, तो उन पौधों को क्या कहा जाता है? बायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। दोस्तों बायोफाइट्स में तो बीज बनते ही नहीं है, टेरिडोफाइट्स, आवृत बीजी या अनावृत बीजी। तो दोस्तों बीज बनने वाली ये जो प्रोसेस है पुष्प वाली, ये आवृत बीजी अनावृत बीजी से शुरू होती है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते, तो दोस्तों पुष्प किन पर नहीं लगते हैं और बीज बनते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? अनावृत बीजी। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? सर्पिलाकार, गोल, छड़ रूपी या फिर कोमा रूपी। दोस्तों क्या हो जाएगा इसका आंसर? छड़ रूपी जो शेप होता है वो क्या होता है? इस टाइप से क्या होता है? जीवाणु की साधारण आकृति क्या होती है? बैक्टीरिया किस टाइप से होते हैं? इसी टाइप के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं? जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वो क्या कहलाएंगे? वैब्रियो, गोलाणु, दंडाणु या फिर स्पाइरिला। तो दोस्तों आकार में जो सबसे छोटे होंगे वो क्या कहलाएंगे? गोलाणु कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया की वजह से होता है? दोस्तों कौन सा रोग बैक्टीरिया की वजह से होता है? ऑप्शन है आपके पास दोस्तों, पीलिया, तपेदिक, चेचक या फिर ये सभी। दोस्तों अगर इस आंसर की बात की जाए तो पीलिया एक वायरस की वजह से होता है। उसका वायरस क्या होता है? बेसिलस टेटनी, बेसिलस टिटेनी भी कहा जाता है इसको, टिटेनी। ठीक है, ये लिख सकते हैं यार। दूसरा है टीबी, टीबी क्या होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होता है। ये क्या होता है? बैक्टीरिया होता है। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, चेचक, चेचक किसकी वजह से होता है? वेरियोला वायरस की वजह से होता है, जो स्मॉल पॉक्स, छोटी माता जिसे कहा जाता है। तो ये किसकी वजह से होता है? वेरियोला एक वायरस होता है, इस वायरस की वजह से होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? तपेदिक। तपेदिक को क्या कहा जाता है दोस्तों? टीबी। ठीक है, क्षय रोग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है? दोस्तों मानव की जो आंत होती है उसमें कौन पाया जाता है? एस्चेरिशिया कोलाई, कोरिनोबैक्टीरियम, विब्रियो कोलेरी या ननोप्टिस। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एस्चेरिशिया जो कोलाई, ई कोलाई जिसे कहा जाता है सामान्यतः, ई कोलाई जो ग्राम नेगेटिव, आपने सुने होंगे इस टाइप से, अगर आपने बायोलॉजी को अच्छे से पढ़ा है तो आप बता सकते हैं। आप सीधा से याद रख सकते हैं, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु बैक्टीरिया कौन सा हो जाएगा? एस्चेरिशिया कोलाई या फिर ई कोलाई। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतया पाए जाते हैं आवृत बीजों में, कवकों में, विषाणुओं में या फिर जीवाणुओं में। दोस्तों जो एंटीबायोटिक होती है वो किसके खिलाफ होती है? वो जो बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होते हैं, उन्हीं के खिलाफ ये एंटीबायोटिक्स ली जाती है। और ये अधिकांशतः पाई किन में जाती है? जीवाणुओं में ही पाई जाती है। नेक्स्ट है, निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा है? सबसे छोटा जीव माइकोप्लाज्मा, यीस्ट, विषाणु या फिर जीवाणु। दोस्तों आपको पता होगा कि माइकोप्लाज्मा जो कोशिकाएं वो सबसे छोटी कोशिकाएं, अब तक की ज्ञात सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? जीवाणु का मतलब होता है दोस्तों बैक्टीरिया। ठीक है, कौन सा रोग बैक्टीरिया की वजह से होता है? तो आप इसका आंसर सीधे बता सकते हैं, पेचिस, हेजा, चेचक, इनमें से कोई नहीं। मैं इस कारण भी बता रहा हूं दोस्तों कि इसका आंसर मैं आपको पिछले क्वेश्चन में हिंट दे चुका हूं इस क्वेश्चन की, तो आप इसका आंसर बता सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये चेचक रोग है वो वायरस की वजह से होता है, वेरियोला वायरस। ठीक है, हेजा किसकी वजह से होता है? दोस्तों हेजा, आपका आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु की वजह से होता है? तो जीवाणु की वजह से कौन सा रोग होता है? हेजा रोग होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों
आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं अगर अच्छा लगा हो तो, और ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए, लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आराम से मिल जाए। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।